नमस्कार, आज हम बनाएंगे एक स्पेशल डिश। उसका नाम है सरोवरी उड़द। आइए देखते हैं सरोवरी उड़द बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। 100 ग्राम बिना छिलके वाला उड़द की दाल, हल्दी 1 टीस्पून, नमक स्वादानुसार, पिसा लाल मिर्च 1 टीस्पून, 2 टेबल स्पून सरसों का तेल, हींग, थोड़ा मेथी दाना, धनिया पत्ती, 2 गांठ लहसुन, 2 हरी मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा अदरक, 4-6 कली वाली खटाई। यदि कली वाली खटाई न हो तो उसकी जगह अमचूर का भी उपयोग किया जा सकता है। सरोवरी उड़द बनाने के लिए 2 से 3 घंटे पहले उड़द की दाल को पानी में भिगो देंगे और फिर जब ये फूल जाएगा तो इसे मिक्सर में थोड़ा पानी डालकर पीस लेंगे। अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये हमारा पिसा उड़द का दाल तैयार है। इसे हमने 2 से 3 घंटे पहले भिगो दिया था, फिर पानी डालकर मिक्सर में पीस लिया। ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी रेडी है। ये हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अब इसमें हींग और मेथी का तड़का देंगे। 1 चुटकी हींग, 1/2 टीस्पून मेथी दाना। जब मेथी दाना चटकने लगे तब इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और इसे हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। आप देख सकते हैं अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर मिक्स कर लेंगे, पिसा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे 1 मिनट तक भूनेंगे। 1 मिनट हल्दी और लाल मिर्च डालकर भूनने के बाद इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद 4 ग्लास पानी डालेंगे। यह हमने इस बॉटल में 4 ग्लास पानी निकाल कर रखा हुआ है। इस पानी को हम थोड़ी देर मसाले में मिक्स होने के बाद उबलने के लिए छोड़ देंगे। ये पानी पूरी अच्छी तरह से उबल गया है, जिससे कि हमारा सरोवर पूरी तरह से तैयार है। सरोवर तैयार होने के बाद इसमें हम पिसे हुए उड़द की छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना के डालेंगे। आप देख सकते हैं ये हमने छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना के इस उबलते सरोवर में डाल दिया है। ये पकौड़ियाँ अपने आप पक जाएंगी और जैसे जैसे ये पकने लगेंगी पानी में ऊपर की तरफ आ जाएंगी। हमने सभी उड़द के पकौड़े इसमें डाल दिए हैं। ये उड़द के पकौड़े जैसे जैसे पकते जाएंगे पानी में ऊपर की तरफ आ जाएंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे, बस हल्का सा नीचे की तरफ मिक्स होने के लिए कर देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये सभी पकौड़े सरोवर में ऊपर की सतह पर पक कर आ जाएंगे तो इसका मतलब आपका सरोवरी उड़द बिल्कुल तैयार है। सरोवरी उड़द के बिल्कुल तैयार होने के बाद उसमें अब हम सूखी खटाई डालेंगे। सूखी खटाई की जगह अमचूर का भी उपयोग किया जा सकता है। अब हम सरोवरी उड़द में ऊपर से धनिया पत्ती डाल देंगे। लीजिए, गर्मा गर्म सरोवरी उड़द तैयार है।